You are watching Poonch Live. Jai Hanuman ki, Jai Kare Birbal.
महात्मा जी रंगे। जय हो जय हो भाई। दुशहरे के इस पावन पर्व पर मैं सभी पुंछ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 3 साल की महामारी के बाद आज हम ये दुशहरे का पर्व हमने यहां मनाया है और देखें ये स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है पूरे लोगों से भरा हुआ है। पूरी जनता पुंछ की यहां पे इस पर्व को मनाने के लिए आई हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे खुद पहुंची है। यहां पे राम रावण युद्ध हुआ, रावण की पराजय हुई और प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया और यहाँ पे उनको मुख्य अग्नि देकर आज इस पर्व को हमने मनाया है। ये पर्व जो है सनातन की दृष्टि से अगर हम देखें, ये पर्व बुराई के ऊपर इच्छाई की जीत जो है ना उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये पर्व मनाते हैं। मैं आज के इस शुभ अवसर पर सभी पुंछवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं सभी पुंछ के निवासियों को अपनी ओर से और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये नवरात्रि का पवित्र उत्सव जो है वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। इसमें जो सदियों से चली आ रही परंपरा है कि इसमें रामलीला का एक सब्जेक्ट रहता है और आज के दिन दशहरा के दिन जो है ये जहाँ किसी भी जगह पे किसी ग्राउंड में जाकर जो है जो एक जो है वो रावण दहन किया जाता है उसका सभी लोग आप जानते हैं कि बेसिकली ये अच्छाई को जो है दर्शाने के लिए बुराई के ऊपर जो है एक सिग्निफिकेंस रहती है इसकी। और जहाँ भी उस किस्म का कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत सारी तादाद में जहाँ के लोगों ने जहाँ पार्टिसिपेट किया और सभी ने जो है इसमें सभी धर्मों के लोगों ने जहाँ जितने भी हैं आपने देखा होगा कि यहाँ बड़ी तादाद में आए हुए हैं और इस खुशी में शामिल हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस किस्म का जो एक संयोग होता है, इस किस्म के जो मौके होते हैं, ये एक तो वही जो हमारे धर्म में लिखा है कि भाई बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत वो होती है, और दूसरा जो समाज का आपसी सद्भावना होती है, आपसी प्रेम होता है, उनको दर्शाने के काम आता है। ये परंपरा आगे भी बनी रहेगी और इससे भी ज़्यादा खुशी से ये त्यौहार जो है वो मनाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।